तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने दोस्तों के साथ पंगोट में, और हमारे साथ अमर हैं जो यहाँ का आनंद ले रहे हैं। कुछ बताएंगे अपने बारे में और इस जगह के बारे में। जी, यहाँ आने के बाद बहुत मजा आ रहा है। हमने यहाँ आने का सोचा नहीं था, 11 दोस्तों से बात हुई काफी, तब जाके ये डिसाइड हुआ कि हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ का सारा खर्चा संभाल रहे हैं राहुल जी कर रहे हैं। आप बताइए अभी तक हम लोग के 2 दिन में कितने खर्चे हो गए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल शुक्ला है, मैं इन लोगों का छोटा भाई हूँ, और जितना भी मैनेज होता है खाने का रहने का, जितना भी खर्चा होता है सब मैं ही मैनेज करता हूँ। अकेले मैं नहीं करता हूँ, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम केवल हिसाब रखते हैं उन चीज़ों का। तो मैं ये ऐसे बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों का लगभग 30,000 रुपये 2 दिनों में खर्चा चुका है 10 लोगों का, रहने का, खाने का, पीने का, ड्रिंक का नहीं गाइस, ड्रिंक नहीं कह रहे हैं, रहने खाने पीने का यही सब, और बाकी अपना शॉपिंग और बाकी जो अलग से खाना पीना हुआ करेंगे, लेकिन होटल का किराया और स्कूटी का खर्चा, पेट्रोल, ये सब मैं देखता हूँ, इसका हिसाब मैं बता रहा हूँ। 30,000 रुपये अभी तक शाम तक का, 31 तारीख आज है, खत्म हो चुका है। और दोस्तों लोकेशन हमको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या कैसे रहना है, क्या क्या जगह कवर करनी है, ये सारा डिसीजन इनका होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजर प्लानर होते हैं। और आइए वीरेंद्र जी, आप इस जगह के बारे में बताएं, खूबसूरती के बारे में। ये वीरेंद्र जी ये खूबसूरती के बारे में बताएंगे। ये मेरी पहली विजिट है यहाँ पे, और भाई लोग के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, मतलब आप लोग को काफी शांति है, जरूर से जरूर यहाँ पे आना चाहिए। पंगोट नाम की जगह है ये, और यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं ढेर सारी हो सकती है यहाँ पे। और ये व्यू दिखाओ, ये व्यू दिखाओ इधर सबको, नीचे झरना है, ये व्यू है, और यहाँ से ट्रैक करके 2 किलोमीटर नीचे एक झरना है बहुत ही खूबसूरत, जो हम ये आवाज झरने की हम लोग को सुनाई दे रहा है। आई होप आप लोग भी सुन पा रहे होंगे कि झरने की आवाज कितनी मधुर आवाज पानी की आ रही है। काफी शानदार व्यू है यहाँ का, बादल देखिए, ऐसा हम लोग अपने घर पे सीनरी में ही देख पाए थे, बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ का। धीरज जी भी कुछ बताएंगे, और ये हमारे कैमरामैन थे अभी तक कैमरामैन बने थे। और आप बताइए, आप अपना अनुभव साझा करें हमारे। मैं कहना चाहता हूँ फैमिली के साथ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत अच्छा फील हुआ, और वो भी दोस्तों के साथ जो बेस्ट फ्रेंड है हमारे। जी जी, भविष्य में आप यहाँ किस, बहुत अच्छा लगा, भविष्य में आप यहाँ किन के साथ आना चाहते हैं? इन फ्यूचर अब देखिए क्या होता है, मैं भी बताई जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, धीरज भाई की शादी है किस डेट में? धीरज भाई, और ये हमारे धीरज भाई हैं, इनकी शादी 6 फरवरी को है। आप लोगों से अनुरोध है कि जरूर से जरूर आइएगा, गोरखपुर शहर, योगी बाबा के शहर, इनकी शादी हो रही है, और हम लोग बस्ती यूपी 51 से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो दोस्तों देखिए, एक्टिविटी शुरू हो गई है, धीरज गुप्ता और राहुल शुक्ला की रेस में देखते हैं कौन आगे दौड़ता है, और पीछे से वीरेंद्र भाई आगे आते हुए, अब देखते हैं कौन जीतता है। लग रहा है राहुल शुक्ला जी जीत जाएंगे यहाँ पे। दर्शक कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं। ओ माय गॉड, वीरेंद्र हमको लग रहा था चीर के आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये पीछे रह गए, और धीरज भाई तो ऊपर पहुंच गए। देखते कौन पहले पहुंचता नीचे। लग रहा है वीरेंद्र ने हार मान ली है। बाकी ये देखिए दो वीर, और ये धीरज राहुल शुक्ला को पीछे करने के एक कदम रुका, और ये जीत गए, राहुल शुक्ला जीत गए 10 करोड़। धीरे धीरे दौड़ते हो, इधर दौड़ते हो, कौन जीता भाई बताते रहे, कमेंट्री तो धीरज जीत चुके हैं, धीरज इस बार जीत चुके हैं, पिछली हार का बदला लिया इन्होंने इनसे, राहुल से। <दीपा। laughs>
ट्रेनिंग के लिए निकल चुके हैं अपने अपने रूम से, साथ में डंडा भी है हमारे पीछे, देख रहे होंगे बहुत से हमारे दोस्त भाई मित्र जो भी कह लीजिए। और एक हमारा मित्र सबसे आगे पहुंच चुका है, मन्ने सिंह। काफी शानदार मौसम यहाँ का, ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे, हम थोड़ा देसी लुक में दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको नहाना है नीचे, इसलिए हम अंगोछा लेके आए हैं। ये हमारे सर की ताज बढ़ाता, हमारी शोभा बढ़ाता है। अरे डंडा तो वो लेते हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, हम तो अभी जवान हैं। और ये आवाज आ रही है पानी की। और गाइस थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता है। आराम आराम से भाई, मोबाइल रख लो, मोबाइल रख लो। चलिए मिलते हैं। दोस्तों हम लोग ट्रैक करके आ गए हैं, जो हम लोगों ने झरना की बात की थी कल, और बहुत अच्छा है व्यू। राहुल जी बताएंगे इसकी खूबसूरती के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग यहाँ पे आए थे कि हम लोग नहा लेंगे, सारा अपना सामान कपड़ा अंगोछा अंडरवियर लेके आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कमी है, यहाँ पे इतने सारे जोक हैं कि जो कि हमारे तीन चार दोस्तों को अंदर चिपक गए थे, किसी के पास खून निकल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा मजा किया, एडवेंचर लिया और सब लोगों ने नहाया एक दो लोगों को छोड़ के, और काफी अच्छी जगह हम जहाँ हम रुके अपने कैंप में वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर नीचे है। और धीरज भाई हमारे, शक्तिमान को बुलाया जाए, शक्तिमान को। आप कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हुई, यहाँ सबको जो एक जो सबको पकड़ा, शक्तिमान को बुलाया जाए। इस वजह से आप यहाँ आए तो 1 किलो नमक लेके तो गाइस आगे मिलता है इस जंगल के अंदर। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होते हुए हम यहाँ झरने के पास आए हैं, और ये हमारे दोस्त वापस अब नहा धोकर वापस जाते हुए। अन्नहारी कमन 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 काराडूगा के जंगल में, अन्नहारी अन्नहारी कमान कमान कमान। मेघहारी मेघहारी नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट राहुल शुक्ला। हम लोग नैनीताल होटल रोज विला से अब चार भी निकल रहे हैं।
और गाइस आप लोगों के हाथ में व्यू कितना आएगा देखिए, हमारे दोस्त हमारी बुराई कर रहे हैं, 4 व्यू आई 2 व्यू आई उठा दीजिए दोस्तों हमको। मिलते हैं आपसे अभी। हेलो गाइस, तो नैनीताल से हम पहुंच चुके हैं पंगोट, और पंगोट के पास एक कैंप है जिसको हम लोगों ने ले लिया है, 10 लोग इकट्ठे हैं और पंगोट में हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है घूमना टहलना फोटो खिंचवाना। हमारे सारे दोस्त अपना फोटो सेशन करते हुए, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, कैंप है हम लोगों का कैंप, देखिए गाइस बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शांति यहाँ पर है। ये हमारे दोस्त हैं, ये देखिए पीछे हमारे सारे सभी दोस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू, बहुत ही बेहतरीन। पीछे देखिए हमारे दे है पुलिस, जल्द पुलिस। हेलो गाइस, ये हमारे सभी दोस्त सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए। हेलो गाइस, ग्रीन वैली में हम लोग रुके हुए हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करते हुए। ब्रेकफास्ट में ये देखिए चटनी है, दही है, आलू का पराठा है, सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हुए। और ये जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ग्रीन वैली कैंपिंग एंड एडवेंचर बगर पंगोट नैनीताल, क्या शानदार व्यू देखिए। ये देखिए सभी हमारे दोस्त लोग, काफी शानदार व्यू है। मिलते हैं आपसे, हम भी थोड़ा अपने दोस्तों का साथ निभा दें। I know you're scared.